Hello everyone, I am Dipesh from IIT Delhi, and in this video we are going to discuss very important topics for IIT JAM preparation जिनका वेटेज हमेशा बहुत ज्यादा रहता है IIT JAM केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में। और अभी के हिसाब से 4 months बचे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम वेटेज और मार्क्स की बात करें, तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक का एनालिसिस लिया है। इसमें हमने ऑर्गेनिक एनालिसिस अगर हम देखें ध्यान से, तो जीओसी का काफी अच्छा वेटेज है और रिएजेंट का काफी अच्छा वेटेज है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्टीरियोकेमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स का। तो ये जो टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स, ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। अगर कॉन्सिक्यूटिवली देखा जाए तो हर ईयर में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें तो हर साल इन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया, या फिर मार्क्स से वेटेज देखो तो 4, 3, 2, 6, 2। बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स एकदम हॉट टॉपिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो, या फिर हमेशा इन टॉपिक से तो क्वेश्चन बने रहेंगे। तो ऑर्गेनिक के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ईजी रहेगा। फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल के अंदर टॉपिक्स जैसे केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक सॉलिड स्टेट भी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे यहाँ सॉलिड स्टेट हाइलाइटेड नहीं है, कॉज इसका वेटेज उतना नहीं था, लेकिन अगर जैसे ही हम 2021 के पेपर में आते हैं तो वहाँ पर वेटेज काफ़ी बढ़ गया था, क्वेश्चंस 2 या 3 पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर 2021 का इंक्लूड नहीं करा गया एनालिसिस, तो जो फाइनल होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके तुम्हें आखिरी के टॉपिक्स पता लग रहे होंगे जो कि फाइनल हॉट टॉपिक्स हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी प्रिपरेशन फर्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर या 6 मंथ्स की हो चुकी है और उसके बाद इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उनको उन 2 टॉपिक्स पे तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि उनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिजिकल में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। देन इनऑर्गेनिक की बात करें तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनोमेटलिक्स भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, बिकॉज इस साल ऑर्गेनोमेटलिक्स का काफ़ी अच्छा वेटेज था और उसमें क्वेश्चन जो है पूछे इस तरीके से गए थे कि हाँ, इजीली आपसे नहीं सॉल्व हो सकते, आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा ऑर्गेनोमेटलिक्स टॉपिक्स को, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो ये तीनों, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तीनों को मिला के जो टॉपिक्स मैंने ये येल्लो मार्क बताया जो इम्पोर्टेंट है, इनका एक फाइनल हम वो बताएं कि जो 10 टॉपिक्स इन पर हम फोकस करें और उनको करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा IIT जैम में एक अच्छा डिसेंट रैंक आ जाएगा, चाहे पेपर कितना भी हार्ड हो, पर इन टॉपिक्स का वेटेज जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो फाइनल 10 टॉपिक्स टू एस जैम केमिस्ट्री, वो ये टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कोऑर्डिनेशन, इसके क्वेश्चंस आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अच्छे खासे नोट्स हम बनाते हैं इसमें, हमें कई बार मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोलता है, या फिर हाई स्पिन, लो स्पिन, JTD, ऑर्गेनल डायग्राम का कंसेप्ट। तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आने बहुत ज़रूरी हैं। एक ऑर्गेनोमेटलिक्स का रीसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा है, बिकॉज ये काफ़ी चीज़ें इसकी कोऑर्डिनेशन से मैच करती है। तो ये ऑर्गेनोमेटलिक्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गेट नेट की तरफ जब जैम का एग्ज़ाम जाएगा तो ऑर्गेनोमेटलिक्स और ये जो टॉपिक्स हैं इनका वेटेज अपने आप बढ़ना जायज़ है। तो इनऑर्गेनिक में ये दोनों टॉपिक्स तो जरूर करके जाने हैं, क्योंकि इनका वेटेज हमेशा रहता है। देन थर्ड टॉपिक हमने यहाँ पे मार्क करा है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगर आप कभी किसी इंटरव्यू में अपीयर करोगे और केमिस्ट्री फील्ड में अगर आगे जाना है, तो ये टॉपिक्स तो जरूर आएंगे, इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनका किसी भी एग्जाम में वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। तो थर्मोडायनामिक्स स्किप नहीं कर सकते, क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 2 या 3 आते हैं, और इनका वेटेज 6 to 8 मार्क्स का रहता है, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। देन केमिकल काइनेटिक्स, इसके भी इस साल 2 या 3 सवाल आए थे, और उसमें भी मोस्टली ऑर्डर निकालना होता है, रेट कॉन्स्टेंट निकालना होता है, या फिर अलग अलग चीज़ें फाइंड करवाते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कमिंग टू केमिकल बॉन्डिंग, ये बेसिक पार्ट है, हम 12th से पढ़ के आते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें थोड़ी सी एडवांस हो जाती है जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, या फिर कुछ हार्ड सिग्मा डोनर लिगेंड्स की बात करते हैं, या फिर MOT में जब आ जाते हैं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके कंसेप्ट और काफ़ी मेन ग्रुप को एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होती हैं। मेन ग्रुप का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो कम हुए हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो रिसेंट ईयर्स में जो पेपर आ रहे हैं।
देन कमिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर कभी डायरेक्ट नहीं भी आती है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं उनमें लग के साथ आती है, जैसे इस साल पेपर में हुआ था, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री का वेटेज हमेशा रहता है, तो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री तो करनी पड़ेगी। देन कमिंग टू सॉलिड स्टेट, ये भी एक ईजी टॉपिक कह सकते हो, बिकॉज हम तो 12th, काफ़ी हमारे जो 12th के टॉपिक्स हैं उसमें आता है, तो सॉलिड स्टेट तो करके जाना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन पे आते हैं, देन या टेट्राहेड्रल वॉइड ऑर्गेनिक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आते हैं, या फिर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो सॉलिड स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो इसको जरूर करके जाना जो अभी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो इन टॉपिक पे अच्छा एम्फसाइज देना, इन पे ज़्यादा फोकस करना। देन नेम रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन जो है नेम रिएक्शन जो स्पेसिफाइड करी है वो एक रीज़न के लिए स्पेसिफाई करें कि इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और यही क्वेश्चन जो है इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे या फिर इंक्लूडेड होंगे इन रिएक्शन का कोई पार्ट, अगर स्टेप बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो। देन रीजन, कुछ रीजन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर रीजन का रोल ही नहीं पता तो वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, तो जो भी रीजेंट हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका क्या वर्क है, किस तरीके से काम करेंगे, तो रीजन जरूर करके जाना। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस दोनों अगर मैं बोलूँ तो साथ में इंक्लूड कर लें, तो क्वेश्चंस का वेटेज रहता है इनका और हर साल रहता है, तो कंडक्टेंस साथ में ऐड कर लेना। देन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो या 2 to 4 मार्क्स का रहता है बायोकेमिस्ट्री, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें टर्पीन्स और काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो ये 10 टॉपिक्स थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, या फिर अपने नोट्स में ही किसी फ्रंट पेज पे लिख लेना कि हमें इन 10 टॉपिक्स पे एम्फसाइज करना है, और कोशिश करना इनको आप 3, 4 या 5 जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतने बार रिवीजन कर लेना, और जो भी टेस्ट दे रहे हो टेस्ट सीरीज अच्छे से देते रहना, तभी जाके मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा और अच्छी रैंक आ पाएगी जैम केमिस्ट्री एग्जाम में। एंड मैं जो नोट्स हैं वो तो कंटिन्यूसली देता रहूँगा, जैसे मैंने अभी बायो ऑर्गेन का दिया, बहुत जल्दी ही बायोकेमिस्ट्री के भी नोट्स आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।